गुरुजी ने 30 साल दिए इस बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को। अगर तुम में से किसी में भी दम है ना, आज भी इस एज में भी जितना वो वेट उठाते हैं, जो भी कंपाउंड मूवमेंट्स हो, चाहे शोल्डर प्रेस करके देख लेना, चाहे डेडलिफ्ट करके देख लेना, चाहे चेस्ट प्रेस करके देख लेना, चाहे लेग प्रेस करके देख लेना, जिसकी भी औकात हो, जितने लोग ये कॉमेंटों में बकवास कर रहे हैं, जो उनको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी भी औकात हो एक दिन जाके उनके साथ वेट मार के देख लेना। और जो कंपेयर कर रहे हैं कि एथलीट जमीन पर सोया हुआ है धूप में और गुरुजी वीआईपी सेक्शन में खाना खा रहे हैं, मेरे भाई गुरुजी भी ऐसे धूप में बहुत बार लेटे हैं, गुरुजी ने भी ऐसे दिन देखे हैं, ये स्ट्रगल गुरुजी ने भी देखा है। एथलीट स्ट्रगल करके ही एथलीट बनता है। कोई भी एथलीट इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो आज टॉप पर है और उसने ज़िंदगी में स्ट्रगल ना किया हो। और नॉट ओनली बॉडी बिल्डिंग, किसी भी स्पोर्ट्स में आप चले जाओ, जो रेसलर्स होते हैं कुश्ती करने, ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के जाते हैं, दूसरे दूसरे शहरों में कुश्ती करके आते हैं, वहाँ 10,000-12,000 रुपये मिलते हैं और वो ट्रैवल में और वापस आके बादाम खरीदने में खर्च हो जाते हैं।